कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। पहले हमारे शुरू में तो जब 40 रुपए बिल भरते थे, 100 रुपए की दिहाड़ी है, 100 रुपए कहीं दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपए के मजबूरी में वही नजदीक में चल रही हूँ, मैं अपना गुजारा होएगा, 100 रुपए में मैं क्या करूँगी, किसके आगे जाके रोएंगे हम? कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है, मैं हूँ बलवंत तक्षक। हरियाणा बिजली विभाग अपने काम काज में कितना चुस्त दुरुस्त है, इसका नमूना आज पानीपत में देखने को मिला है। पानीपत के संत नगर में रहने वाली एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का बिजली का बिल करीब 22 लाख रुपए आया है, जबकि वो 60 वर्ग गज के मकान में अकेली रहती है। सुमन नाम की ये महिला इतने भारी भरकम बिजली बिल को देखकर न केवल हैरान रह गई, बल्कि ढोल नगाड़े लेकर वो बिजली विभाग के दफ्तर पहुँच गई। उन्होंने इस बिल को देख कर मिठाई के डब्बे खरीदे और बिजली विभाग के अधिकारियों का मुंह भी मीठा करवाया। बिजली बिल की खपत 99,000 यूनिट दिखाई गई है। सुमन देवी का कहना है कि वह अपना घर बेचकर भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकती और उन्होंने ये अपना घर बेचने की इच्छा भी जताई है। सुमन देवी अकेली इस घर में रहती हैं और फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना जीवन बसर कर रही हैं। अब बिजली विभाग के अधिकारी उनकी शिकायत पर कब और कितना गौर करेंगे, ये देखने वाली बात है। समस्या यही है, बिल ज्यादा आ रहा हमारा। कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। पहले कितना आता था? पहले हमारे शुरू में तो जब 40 रुपए बिल भरते थे, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। कहाँ से भरूंगी मैं? कहाँ रहते हो? संत नगर कॉलोनी, सिंगल होटल के पीछे संत नगर है। आपका ये अकेले का बिल है या पड़ोसियों का भी? पड़ोसी कोई नहीं है, मेरा अकेले का है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं यूँ चाहती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। 100 रुपए की दिहाड़ी है, 100 रुपए कहीं दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपए के मजबूरी में वही नजदीक में चल रही हूँ, मैं अपना गुजारा होएगा। हैं, अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता, कहाँ से भरूँगी मैं? मेरा दुख सुख भी है, 100 रुपए में मैं क्या करूँगी? हैं, किसके आगे जाके रोएंगे हम? 21 लाख का बिल आया किसी कस्टमर का, वो ढोल लेकर आया हुआ है। तो यो हमारी सब डिविजन से रिलेट नहीं करता, वो किला सब डिविजन का है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस ऑफिस का बिल ही नहीं, जबकि ढोल इस ऑफिस के आगे बजाए जाने हैं, जानबूझ के भी छवि खराब करने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। उनके पास बिल है, बिल देख लीजिए, बिल किला सब डिविजन है। किला कहाँ पे है? एरिया सबरबन का ऑफिस है। तो सर ये बिल ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता? मुझे वो रिकॉर्ड देख के ही बता सकता हूँ, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। बिजली विभाग का ये कोई पहला कारनामा नहीं है, इससे पहले भी रेवाड़ी में सेक्टर 5 में रह रहे एक छोटे से दुकानदार संदीप कुमार को 64 लाख रुपए का बिजली बिल भेज दिया गया था। संदीप कुमार ने जब बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई कि उनका बिल ठीक कराया जाए, तो उसे दोबारा उसमें 1 लाख रुपए का इजाफा कर 65 लाख रुपए का बिल भेज दिया गया। बिजली विभाग ने 9,93,000 यूनिट बिजली की खपत दिखाई थी। इससे सहज ही आप अंदाज लगा सकते हैं किसी गरीब की गुहार पर बिजली विभाग के अधिकारी कितना गौर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा बिजली विभाग ही ऐसे कारनामे करता है, हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग भी इस मामले में पीछे नहीं है। ऊना जिले के हरोली सचिवालय में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले दीपक कुमार को 55,15,000 रुपए का बिल भेज दिया गया था। जाहिर है बिल को देखते ही दीपक कुमार को दिन में तारे दिखाई देने लगे थे। चाय की दुकान छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर दीपक ने कितने दिन बिजली विभाग के अफसरों के चक्कर लगवाए होंगे, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। बिजली बिलों के मामले में लापरवाही बरतने में पंजाब बिजली विभाग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी आगे है। जीरकपुर के प्रभात गांव में रह रहे बलवंत सिंह पन्नू नाम के एक उपभोक्ता को 88 लाख रुपए का बिजली बिल भेज दिया गया। बिजली बिल देखने के बाद पन्नू न केवल बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे,
अफसरों से गुहार लगाई, एक अर्जी दी, अर्जी के साथ बिल को नत्थी किया और आग्रह किया कि वे इस बिल को ठीक कर दें। अफसरों ने उसे भरोसा भी दिलाया कि अगर कहीं कोई लापरवाही होगी तो वो इसकी जांच कराएंगे। पन्नू का कहना था कि वो अपना घर भी बेच दें तो इस बिजली बिल को अदा नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि पन्नू ने बिजली विभाग के कितने चक्कर लगवाए होंगे, कैसे उनका बिल ठीक हुआ होगा, कैसे उन्होंने अपना कामकाज छोड़ा होगा। इस परेशानी को पन्नू और उसके परिवार के लोग ही ठीक से समझ सकते हैं। क्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बिजली विभाग की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी और उपभोक्ताओं को बिना वजह परेशानियों का सामना ना करना पड़ेगा?